दोस्तों आज हम इस वीडियो में नई वैकेंसी के साथ आए हैं जहां पे हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। एक वीडियो जो है हमने पहले भी इस डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग बना रखा है जिसमें अभी तक रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो उससे और ये नए वाले वीडियो से आप जो है कन्फ्यूजन मत खाइएगा। तो अभी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ जो पिछला वीडियो था वो किस प्रकार था, क्या था उसमें। तो वो जो वीडियो था पिछला वाला, यहाँ पे मैं अभी पिछले वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो ये भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो है वैकेंसी निकली थी, लेकिन डिपार्टमेंट जो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द न्यूट्रिशन। आज जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो नई वैकेंसी है, इसलिए आप जो है इसमें और नई वाली वैकेंसी में जो है कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा। तो इसमें जो है हमने हर चीज़ जो है डिस्कस कर रखा था, जैसे कि कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रखा था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो है हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इपीडर्मोलॉजी, इसी ICMR का ही ये पार्ट है। जो पहले वाला वैकेंसी NIN का था, आज जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इपीडर्मोलॉजी के लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसके इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट की, कौन सी पोस्ट की यहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए है जो वैकेंसी आ रखी है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 50 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, जनरल्स की और 19, OBC की 13, SC की 7, ST की जो है 6 और EWS की 5 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हो सकता है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें, देखिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री यानी कि MSc कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने BSc कर रखा है तो आपको जो है यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर आपने MSc कर रखा है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो सैलरी आपकी दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, तो सैलरी का जो यहाँ पे है आपका 31,000 पर मंथ जो है सैलरी दी जा रही है। देन ये जो वैकेंसी है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इनिशियली जो है आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंडेबल है, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मेथड है, तो ऑफलाइन में जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ पे भेजना है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस नोट कर लीजिए, 23 सितंबर से पहले जो है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और जितना भी इसका जैसे कि बात किया जाए इसका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग, तो ये जो है आपके मेल ईमेल आईडी के द्वारा जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कहाँ पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ जो है आपको मेल के थ्रू यहाँ पे बताई जाएगी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है उसको आपको मेल के थ्रू भी भेजना है, तो ये जो मेल आईडी है इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भी भेजना है और ऑफलाइन मेथड में भी भेजना है वही फॉर्म। तो ऑफलाइन फॉर्म देख लेते हैं कि इस प्रकार का है यहाँ पे। तो ऑफलाइन फॉर्म जो है इस प्रकार का है, ये फॉर्म जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे जाएगा, वहाँ से जो है आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर्म को फिलअप करके पहले आपको यही फॉर्म को मेल आईडी स्कैन करके जो मैंने मेल आईडी दिखाया है उस मेल आईडी पे जो है सेंड कर देना है। देन इसको आपको इनवेलप में डाल के इसका प्रिंटआउट लेके फिलअप करके आपको सेंड करना है जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया है। तो एड्रेस इसकी जो लास्ट डेट है उसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 23 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। और जो हमने पिछला वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, तो वो जो है NIN यानी न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन का जो है वो वैकेंसी थी, वो जो है परमानेंट वैकेंसी थी, ये बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पेयर की वैकेंसी है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है जिनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले आप इन वीडियो को देख ले। सारे वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहाँ से जाकर फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।